हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन कीड़ा। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ने एक बहुत ही अच्छा फीचर लॉन्च किया है जिसका हम सभी लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। पहले अगर आप गलती से किसी ग्रुप में या किसी को कोई मैसेज भेज देते थे व्हाट्सएप से, तो आप उसको डिलीट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब व्हाट्सएप ने अपना नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप अगर गलती से किसी को मैसेज भेज देते हैं और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्ज़न होना चाहिए। अगर आपके पास व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्ज़न नहीं है तो आप उसको प्ले स्टोर में जा कर के अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए दिखाते हैं कि कैसे आप व्हाट्सएप से कोई भी मैसेज डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ये मैसेज 7 मिनट के अंदर अंदर डिलीट कर सकते हैं। आपने किसी को मैसेज सेंड किया तो आप 7 मिनट के अंदर वो मैसेज डिलीट कर सकते हैं। 7 मिनट के बाद आप उस मैसेज को डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि किसी को ये मैंने मैसेज भेजा, हाउ आर यू, और मैंने देखा कि ये तो गलती से किसी और को भेज दिया, किसी और को भेजना था, अब मुझे ये मैसेज डिलीट करना है। तो जिस मैसेज को आपको डिलीट करना है उसको आप प्रेस करिए। ऊपर आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब आप देखिए डिलीट फॉर मी, डिलीट फॉर एवरीवन, तो डिलीट फॉर एवरीवन पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज डिलीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके में आ रहा है यू डिलीटेड दिस मैसेज, और जिस ग्रुप पे या जिसको आपने ये मैसेज भेजा उसके में आएगा दिस मैसेज वाज डिलीटेड। अगर इस बीच में आपने के डिलीट करने से पहले किसी ने मैसेज पढ़ लिया तो वो तो ये मैसेज पढ़ लेगा, लेकिन उसके बाद वो उसे नहीं पढ़ पाएगा। उसके बाद उसके में यही आएगा दिस मैसेज वाज डिलीटेड, और जिसने नहीं पढ़ा वो इस मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा, उसके में यही मैसेज आएगा दिस मैसेज वाज डिलीटेड। तो ये कितना अच्छा फीचर है जिसका हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।